नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और देख लेते हैं अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है आप लोगों की एनर्जी। लव रीडिंग है ये, आप किसी भी रिश्ते में हैं, कोई भी साइन है आपका तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पहला कार्ड हमें सिक्स ऑफ सॉर्ड का मिला है, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और अगर आप अपने पार्टनर से काफ़ी समय से अलग हैं या आपके पार्टनर आपसे दूर गए हुए हैं तो आपके पास ट्रैवल करके वो आएंगे, और उसके लिए ये जो महीना है उनको चाहे उनको परेशानी आए या कोई उनको रोक रहा है चाहे कुछ भी है, लेकिन वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे पहले कार्ड से मिल रही है। ये आपके पार्टनर दूर हैं या आप उनसे दूर हैं तो आप भी जा सकती हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पहले उससे मिली। आपके पार्टनर अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे काफ़ी समय से कुछ चीज़ों को, तो अब वो उनसे भाग नहीं सकते। और यही सच है, उनको पता लगेगा कि यही सच है, मैं इससे भाग नहीं सकता सच्चाई से। ऐसी रहेगी आपकी लव रीडिंग अगस्त के महीने में। ठीक है, आपके पार्टनर एक यंग इंसान की तरह एक पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार उनके दिमाग में आपके लिए रहेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम वो अपने उस पर कैरियर पे करने वाले हैं, अपनी मनी को सेव करने वाले हैं, और कुछ पैसे वो आपके ऊपर भी खर्च कर सकते हैं जिससे आपको खुशी होगी। इस तरह की आपकी रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ये आपके ऊपर भी खर्च कर सकती हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह भी आपको दे सकती हैं, और आपकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव विचार होंगे इनके आपको लेके। और जो आप हैं, आप भी इस अगस्त के महीने में अपनी काफ़ी सारी आदतों को बदलने वाले हैं। आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी काफ़ी सारी आदतों को बदल सकते हैं। कुछ जैसे कि आप नॉन वेज खा रहे हैं तो आप उन नॉन वेज को छोड़ के आप वेजिटेबल खाना पसंद करें। इस तरह की आदतें मुझे लग रही हैं यहाँ पे लव रीडिंग में, यही दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अध्यात्मिक रास्ते पे आप चलेंगे, शायद मेडिटेशन से जुड़े आप, या आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो आपको गाइड करे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप बहुत समय से अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप निकाल सकते हैं लव रीडिंग में। और देख लेते हैं क्या आया है। एक तरफ आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ कोई है जो आप पे नज़रें जमाए हुआ है। वो आपसे बड़ा भी हो सकता है उम्र में, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आप पूरी तरीके से छाए रहेंगे अगस्त के महीने में। आपको अगर थर्ड पार्टी भी थी तो वो थर्ड पार्टी पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ आपके ऊपर उनका ध्यान रहने वाला है, और आप उनके दिल के बिल्कुल अंदर एक जगह आपकी जो है उनके अंदर वो अब उनको दिखाई देगी। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा शांति आपके लिए ये फील कर सकते हैं। काफ़ी समय हो गए हैं इस रिलेशनशिप को, 8-9 महीने नहीं तो मुझे बहुत साल की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए 8 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 से 9 महीने हो सकते हैं इस रिलेशन में आए हुए। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो 8 से 9 महीने हैं, अगर ये काफ़ी पुराना है तो 8 साल से 2 साल इस रिलेशनशिप को हो गए हैं आपके। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ये अगस्त के महीने में और क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगस्त का महीना क्या कहती है आपकी लव लाइफ। कोई भी साइन के अगर आप हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। देखिए, प्यार बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है, आपका प्यार भी रहने वाला है, और जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम फेम भी होने वाला है। किसी चीज़ में वो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो वो मिलने वाली है, ठीक है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एक सुंदरता रहेगी फेस पे, नूर रहेगा फेस के ऊपर, चमक रहेगी, और बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे जिससे आपका नाम फेम जैसे मैंने कहा है बढ़ेगा। और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ दूर से ट्रैवल करके आएंगे, और आप भी या जा सकते हैं कहीं घूमने के लिए। और एक ऐसा देखिए, जो प्यार आपने कभी पहले फील नहीं किया, सेक्स को लेके लगा लीजिए, या आप फिज़िकल होना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो ये समय आप देखेंगे। अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। देखिए, ऐसा है नहीं कि ऐसा भी मत करना कि आप दोनों ने एक दूसरे को जब मिले
तो पूरा आपने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया कि अलग चले जाओ, एक दूसरे को ऊपर डिपेंड हो गए या बांध के रख लिया, ऐसा मत करना। थोड़ा थोड़ा उनको जाने देना, या वो घूमने जा रहे हैं तो उन्हें टॉर्चर मत करना, या वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं तब उनको जब बात बात पर झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, तभी मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा अगस्त मंथ, और पैसे भी बहुत अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अगस्त के महीने में। और खुशी भी रहेगी घर परिवार में, वो शांति बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी, इस तरह का कार्ड हमें मैसेज दे रहे हैं। और ये देखिए जो रीडिंग ये आपसे मैच कर रही है, तो आपको करना क्या है, आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, पॉजिटिव कमेंट करना है। अगर आपके साथ ये मैच नहीं कर रही है तो आप कहीं और भी देख सकते हैं। वैसे मैं ट्विन फ्लेम की कोच हूँ, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना होता है, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहना होता है, किस तरह से आपको मेडिटेशन करना होता है, कैसे आपके अंदर विचार चल रहे हैं, वो मैं चैनलिंग भी करती हूँ, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपको हीलिंग चाहिए, या आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, या आप सेल्फ लव के बारे में सीखना चाहते हैं, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, तब भी आप मेरे पास आ सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, और वो कैसे काम करता है, कौन कौन से चक्रा के लिए कौन से क्रिस्टल होते हैं, तो आप मुझसे वो भी जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, आपको लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो भी आप मुझसे जान सकते हैं कि इसके भाई इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं, मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।